हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेन टेक्स ट्रेडमार्क। और यार मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, 2 महीने बाद वीडियो आई है। एक्चुअली थोड़े बीच में प्रॉब्लम हो गई थी घर में और चैनल पे, सो उसे सॉर्ट आउट करने में टाइम बहुत लग गया, लेकिन आई है। तो भाई अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि वी विल शो यू कैसे हम एडिटिंग करते हैं, कैसे कास्टिंग, कैसे शूटिंग करते हैं। तो आज थोड़े राज खुलने जा रहे हैं। BTS में आपने कुछ नहीं देखा है, जो सुनेंगे वो आज ही सुनेंगे, और जो हमें कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं बना रहे भाई, सच्ची कह रहे हैं ऐसा ही हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। चैनल बनने का ख्याल था ऐसा नहीं, सबसे पहले एक्चुअली में ट्रेन टेक्स हम एक इंस्टाग्राम पेज बनाने वाले थे, और जो एक्चुअली में 7 अप्रैल को बन भी गया था। बाद में क्या ऐसे ही थोड़े ऐसे चला चक्कर चला थोड़ा, बाद में सोचा कि भाई हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं। तो वी मेड इट ऑन 22 अप्रैल, और उसी दिन हमने वीडियो भी डाल दिया था। उस वीडियो की उससे मेरा कोई मोटर नहीं था एक्चुअली में यूट्यूब का वीडियो बनाने का, जस्ट आई सिंपली शूट इट और मिला कि अरे हाँ यार क्लिपिंग है तो एडिट करके डाल देता है ना चैनल पे। सो आफ्टर वो उसकी कोई बहुत स्टोरी नहीं है। ओके, सेकंड था व्लॉग। एक्चुअली मैं मेरी बुआ के घर मुंबई जाने वाला था, तो मैंने टीम के साथ डिस्कस किया कि हाँ भाई ये ऐसे जाने वाले हो ऐसे, तो उसने कहा कि भाई तू शूट कर देना, हम उसका वीडियो बना के दे देंगे, एडिटिंग करके वीडियो डाल देना, चैनल पे इंप्रेशन आएगा। तो मैंने कहा ओके। मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन में सिर्फ 2 GB जगह खाली है। मैं तो भाई 1080 में शूट करने लगा ये। जैसे ही ट्रेन आने का टाइम हुआ एंड आई शॉट द ट्रेन शॉट, आई फाउंड अ मैसेज दैट देर यू हैव ओनली 14 MB इन योर फोन। मैंने कहा भाई लग गए, एक्स्ट्रा की स्पेस बनाई जैसे तैसे करते, और बाकी सारे वीडियो मैंने 480p में शूट किया है, इसलिए ऐसे थोड़ी विंडो टाइप आ गया है, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ 480p। एक्चुअली मैं देखा जाए तो थर्ड वीडियो मेरा जो चैनल पर था एक्जैक्टली वो था व्हाट इज़ PNR स्टेटस, कई ने देख लिया था। और उस वीडियो में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने उसे डिलीट कर दिया था। प्रॉब्लम क्या थी उस वीडियो की कि वो वीडियो ना मेरा वॉइस ही नहीं आ रहा था, वॉइस की सिवाय के सारी बकलोलियाँ चल रही थी लेकिन मेरा वॉइस ही नहीं आ रहा था। और आफ्टर दैट आपने देखा होगा कि चाचा वाली ट्रेन टॉक्स के पहले सीजन पहले एपिसोड में वो मैंने इंक्लूड कर लिया था, तो ये वो रैपअप हो गया। बाद में आया था ऑफिशियल इंट्रो, उसकी बात बताओ तो मेरी 5 टाइम लैपटॉप की बैटरी चार्ज होनी पड़ी थी, और 80 घंटे की रेंडरिंग के बाद वो वीडियो बना था। तो ये थी उसकी स्टोरी। मेरा फेस कैम वाला वीडियो, फेस कैम वाला वीडियो की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। तो फेस कैम वाले वीडियो में क्या हुआ था कि भाई हमने डिसाइड किया कि यस, एक्चुअली मैं अष्टमी थी उस दिन, नवरात्रि की अष्टमी थी जिस दिन हमने शूट किया था। तो भाई क्या स्मिथ का DSLR था, तो हम गए स्टेशन पे और ऐसे ही शूट कर दिया कि हाँ भाई चलो ये। एक्चुअली में मेरा लैपटॉप में विंडोज़ का अपडेट चल रहा था, तो मेरा लैपटॉप प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। आई फाउंड के दैट एट दैट टाइम द नवसारी हैज 100 MBPS वाईफाई ऑफ गूगल। तो भाई मैंने कहा चलो भाई स्टेशन पर जाकर कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे कहता है ना नसीब नहीं आता तो कुछ नहीं आता, उस टाइम ने लैपटॉप ने भी धोखा दे दिया था, और वो क्या वीडियो ऐसे ले नहीं पाए थे, जो जल्दी जल्दी में जो हुआ वो कर लिया। और एक्चुअली मैं एक बहुत ही सच्ची बात कहूँ कि उसी वीडियो के बाद हम यश हमारी टीम को ज्वाइन होता है। चलो भाई हो गया, बाद में यश भी धीमे हमें ज्वाइन कर लिया। बाद में मैं आता हूँ मैं हमारे चैनल के टर्निंग पॉइंट यानी कि छुक छुक चाचा हुआ। और फिर यश ने अचानक एक दिन हम साधना कर रहे थे कि यार क्या कर रहे हो यार इनके, मैंने कहा कुछ नहीं था, चलो ना यार कुछ शूट वूट करते हैं। तो ओके, तो हमने कर लिया। फिर आया डे, एक्चुअली मैं हमारी उस हमारे कोचिंग क्लास थे तो अटेंड करके सीधा आए घर पे। घर पे आकर पहला काम कुछ नहीं किया, और पहले आके भाई जोमेटो से ऑर्डर किया,
तो वो भी पार्टी की, बहुत सारी पार्टी की, मोस्ट ऑफ वीडियो में हम पार्टी ही करते हैं, बाद में शूट करता है या कुछ होता है तो पार्टी की और बाद में शूट होता है। एक्चुअली मैं था ये कि चुकचुक था और एसिड भाई को साथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हाँ, इसलिए स्मित का पार्ट वो थोड़ा शूट हुआ, इसलिए उसको कट करना पड़ा और वो भी प्रॉपरली शूट नहीं हुआ था। तो एट दैट टाइम मेरे घर पे थोड़ी पेस्ट कंट्रोलिंग चल रही थी, तो सामान ऐसा तैसा दिख रहा हो। तो बाद में हम गए हमारे सेकेंड फ्लोर जहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा सामान, वो कुछ काम का नहीं है वो फ्लोर, तो वो फ्लोर एक्चुअली में उसके बाद हमारी वर्क प्लेस हमारी हमारा वर्क एरिया टाइप बना ट्रेन टेक्स का। तो जितने भी वीडियो शूट हुआ है वो वहीं पे शूट हुआ है। बाद में हुआ उस दिन एक्चुअली में अक्टूबर था और अक्टूबर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि 5-5 मिनट बाद में बाद हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, थोड़ा फ्रेश करना पड़ता था इसलिए। और वो फ़ोन में भी रियलमी, और उसके बाद क्या था कि हम वो किस्सा भी बहुत ही भारी बना था कि ओम के फ़ोन में शूट हो रहा था वो, तो डेटा निकाल के मेमोरी कार्ड डालने गए तो इजेक्टर पिन नहीं थी हमारे पास, तो हमने कहा कि चलो भाई निडल चलेगी। हाँ, इतना ज़ोर से निडल था कि निडल अंदर ही टूट गई। और इट वॉज संडे ऑन दैट, इतनी भागा दौड़ी की है हमने, बाद में खर्चा किया 200 का, उसके बाद एक इतनी सी निडल निकली और वो किस्सा यादगार रह गया था। उसके बाद हमने शूट किया था ट्रिंटेक्स 2 एसिड भाई वर्सेस चाचा, इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में ये 2 बार शूट हुआ था, लेकिन कहता हूँ क्या है, ये जो वीडियो शूट हुआ था ना उसके 4 हफ्ते पहले से ही हमारी प्लानिंग शुरू हो गई थी, और 3 3 हफ्ते तक प्लानिंग बात बनी उसकी, 8 पेज की पूरी स्क्रिप्ट जिसके हिसाब से वीडियो था भी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो स्क्रिप्ट अगर आपको पढ़नी है तो मैंने नीचे भी लिंक दिया है और साइट पे भी डाल दिए है, आपको देख सकता, आप वो फ्री है, आप देख सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगाया है। तो उसके बाद हम क्या आते हैं, स्क्रिप्ट हुआ और ऐसे पूरी हो गई, हम सब शेव भी हम थोड़ी सी स्टाइल करके आए थे सब लोग, तो हमने किया शूट। तो स्मित के ट्यूशन क्लास थी तो 12:30 तक हमने टाइम पास ही किया, पूरा टाइम पास किया। और एट द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड शूट, यश इमीडिएटली गोट नर्वस, डोंट नो व्हाई, तो ही जस्ट गोन पैनिक, यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी हिम्मत बांधी और हुआ। और यश उसका फ्रेंड का DSLR लाया था, तो SLR था एक्चुअली में, तो उसमें क्या था 4 GB, सिर्फ 16 GB का वो कार्ड था। तो हमने क्या करते थे, सिंगल शूट निकाल के डेटा डालते, सिंगल सिंगल शूट निकाल के डेटा डालते थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो डेटा इनक्रप्ट होने लगा और करप्ट हो गया और बहुत सारा डेटा लॉस हो गया, तो वो शूट फेल गई। 2:30 बजे हम नीचे उतरे थे, 10 के चढ़े थे, तो 2:30 बजे नहीं उतरे और देखा तो सिर्फ 4 फाइल अंदर पड़ी थी। इतना इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना हमको। बचा क्या था, स्मित का इंट्रो बचा था, वो एक टॉक बची थी 3 मिनट की, और ये है वाला जो आपने BTS में देखा वो, और एक लास्ट वो जो एरिया देख रहा है वो वाला, यही 4 सीन बचे थे। तो इतना गुस्सा आया हमको कि यार क्या कर दिया, फिर हमने तो हम सीधा होपलेस हो गया कि नहीं अब तो करना ही नहीं है। तो आफ्टर 3 वीक्स वी हैव एग्जाम इन आवर कोचिंग। तो एक दिन पहले अचानक स्मित बोला, अरे यार चलना शूट करते हैं, क्यों प्रॉब्लम क्या है? तो हमने किया, भाई रिस्क लेने का तैयार रहेंगे, हाँ, मैं मेरा DSLR लेके आऊँगा। तो उस दिन क्या था कि कोचिंग की एग्जाम थी, हम चारों एक ही क्लास में थे, अलग अलग बैठे थे। तो स्मित आया, उसने बैग में DSLR रखा था, तो स्मित आया और सर ने कहा कि बैग मुझे दे दो, आप जाकर बैठ जाओ। सर ने ना थोड़ा जोर से बैग रख दिया था, वो तो स्मित के वर्ड मुझे आज तक याद है, अरे सर संभल कर, को 15,000 का माल है अंदर। सर के रिएक्शन देखने लायक थे। तो ये स्टोरी थी, फिर बाद में घर आया, फिर वही पार्टी की और फिर शूट हुआ, समझा रहा था ऐसा सब कुछ शूट हुआ। स्मित का पोर्शन, स्मित ने बहुत ही अच्छा किया है किरदार, यश का जवाब नहीं था, ओम की सिनेमाटोग्राफी का भी जवाब नहीं था, तो मेरी टीम का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। उसके बाद तो सीधा करो तो शेख अमीरी का प्लान एक्चुअली में मेरे सिवाय किसी को नहीं पता है। एंड सेकेंड थिंग, मेरे
पता नहीं क्यों यार, लेकिन व्हेन द आफ्टर द ट्रिनिटेक इज बीइंग एक्सेलरेटेड, सो मेनी पीपल्स अराउंड मी हैव स्टार्टेड दर चरण एंड आई न्यू दैट दे हैव चरण बट दे डिडंट पोस्टेड येट। तो पहली बात आती थी हमारे श्रीमान छुक छुक चाचा की, उन्होंने स्टार्ट की है यूयो की वाइंस। एक्चुअली मैं स्टार्ट बहुत टाइम पे देखी थी लेकिन प्रमोशन मुझसे नहीं हुआ था, तो आज उसका ऑफिशियल प्रमोशन कर रहा हूँ। छुक छुक चाचा ने स्टार्ट की है यूयो की वाइंस चैनल, उसमें आपको फुल फैमिली वीडियो डाले, दो वीडियो एक्चुअली में ट्राई कर रहे हैं कि ये भी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसी कॉमेडी करने की ट्राई करते हैं, मैं भी हूँ उसमें। तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर आते हैं आर्ट की बात, तो आर्ट में मेरा फ्रेंड है चौहान ध्रुव, उसने भी स्टार्ट की है, उसकी चैनल आर्ट चल है, चैनल आर्ट। तो एक्चुअली मैं ट्रेंटिक्स का चैनल आर्ट का वर्क भी वही कर रहा है, इसलिए इन फ्यूचर यू विल गेट द चैनल आर्ट विच इज़, तो उसी का चैनल आर्ट होगा और उसका साइन भी होगा नीचे, तो वही हमारा आर्ट डायरेक्टर है। उसके बाद करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में चाहते हैं तो टेकमेन फैक्स मेरे फ्रेंड जैनिल ने स्टार्ट की है, तो वो भी आप जाके देखिए। उसके बाद अगर आप इफ़ यू वांट टू जॉइन द IITS एंड यू आर बोल्ड एम व्हाट इज़ एजुकेशन, तो उसका सारा ज्ञान मिलेगा आपको इंडियन नॉलेज हब के, विच इज़ कंडक्ट बाय ओम देसाई, मेरा जूनियर। अगर आप पबजी प्रो प्लेयर है या फिर पबजी नूब भी है, आपको अगर पबजी का आनंद उठाना है तो मेरे दो फ्रेंड्स ने स्टार्ट की है, फर्स्ट इज जय पटेल, द नेम हैज MG गेमिंग, तो भाई सब्सक्राइब करो उसे। तो और सेकंड इज बैंडिट थेनोस विच इज कंडक्टेड बाय प्रियांक चेजारा, माय सेकंड फ्रेंड। तो भाई बहुत सारे लोगों ने चैनल स्टार्ट किए हैं मेरे आजू बाजू, तो आप प्लीज़ उन्हें भी जाके सब्सक्राइब करें, जितना प्यार आपने हमें दिया है ना उतना प्यार भी उन्हें दो, लेकिन ज़रूरत है भाई, the youth want your support if you want to see that India is a developed country, so thank you guys। और बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो डालने जा रहा हूँ, आपको ना एक कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, रेलवे पर ही चाहिए या फिर कुछ और टॉपिक हमारे स्पेशल, या सो थैंक यू।